इस समय की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। चंद्रबाबू नायडू ने बहुत टाइट कर दिया है, वो 5 मंत्रालय और स्पीकर का पद मांग रहे हैं। नीतीश कुमार रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय मांग रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी ये सब झेल पाएंगे? दरअसल नरेंद्र मोदी का पूरा उदय देखे तो उन्होंने कभी एक पंचायत का चुनाव नहीं लड़ा था। सीधे आडवाणी की कृपा हुई, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया और 6 महीने में गुजरात का नरसंहार हुआ और उसके बाद वो राजनीतिक में वापसी करते चले गए और अपने रास्ते से लोगों को हटाते चले गए। नरेंद्र मोदी के रास्ते में जो भी आया उसको निर्ममता से रौंद दिया गया। तो क्या इस बार मिलीजुली सरकार वो चला पाएंगे? बीजेपी के पास अपना बहुमत नहीं है, घर में उनके इतने दुश्मन हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान पिछली बार भी 28 जीतें जीती थी एमपी में, वो मुख्यमंत्री थे। इस बार फिर से 29 सीटें जीती है बीजेपी ने और 8 लाख वोटों से शिवराज सिंह चौहान जीते हैं। ओबीसी समाज से आते हैं और जिस तरह से उनको साइड किया गया था, सोचिए जिस तरह से उनको साइड किया गया था राजस्थान में मुख्यमंत्री के पद से, उसको लेकर भी वो काफी नाराज और दुखी हैं। क्या उनका बड़ा मुद्दा हो सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा दिया है। कल जिस तरह से राजनाथ सिंह पैर पर पैर चढ़ा के बैठे हुए थे, सोचिए वो तस्वीरें सबके जेहन में हैं, जब एक माला में राजनाथ सिंह आने की कोशिश कर रहे थे तो अमित शाह ने किस तरह से आंखें तरेरी थी और नरेंद्र मोदी ने। एक एक ट्रेन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी खुद करते थे। तो क्या डिक्टेटरशिप का वो दौर चला जाएगा और क्या सचमुच विपक्ष अब इतना मजबूत हो गया है कि सरकार किसी की भी बनेगी, किसी को कुछ नहीं हो सकता? तो सोचिए, इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं बहुजन समाज के लोगों से अपील कर रहा हूं कि सरकार किसकी बनेगी, ये सरकार का काम है। आप कोलिजियम सिस्टम खत्म हो, रिजर्वेशन लागू हो, बैकलॉग 30 लाख पद भरा जाए और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन हो, कोलिजियम खत्म हो, आप अपने बच्चों का भविष्य देखिए, अग्निवीर खत्म हो, सेना में परमानेंट नौकरी मिले, इन मुद्दों पर चुनाव लड़िए। और मैं एक समाज का पत्रकार हूं और इन्हीं मुद्दों पर बात करता रहूंगा। मेरी रुचि इसमें नहीं है कि सरकार किसकी बनेगी, मेरी रुचि इस बात को जानने में है कि दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक, बैकवर्ड को क्या मिलेगा। तो आज वो तमाम खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है, नीतीश कुमार, ये तस्वीरें देखिए सोशल मीडिया पर वायरल है, नीतीश कुमार किस तरह से जहाज में तेजस्वी यादव के साथ बैठ के आए हैं, पटना के रोड शो में किस तरह से नीतीश कुमार को कमल छाप पकड़ा दिया गया था, उनको ह्यूमिलिएट किया गया था। और महाराष्ट्र से खबर आ रही है, महाराष्ट्र में जो शिंदे गुट के जो सांसद हैं वो उद्धव ठाकरे के टच में हैं, ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, एक शख्स हैं KRK जो अपने आप को फिल्म क्रिटिक्स कहते हैं, उन्होंने BSP सुप्रीमो मायावती पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। ये बहुत ही गंभीर मसला है, इस देश के तमाम अल्पसंख्यक समाज को ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आपको लड़ाना चाहते हैं। राजनाथ सिंह ने जो कहा है, भाजपा को लोकसभा चुनावों में लगातार तीसरी बार मिली सफलता पार्टी कार्यकर्ताओं के पसीने और परिश्रम की जीत है। सभी कार्यकर्ताओं ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के दिशा निर्देशन में, सोचिए तो JP नड्डा को क्रेडिट दिया जा रहा है राजनाथ सिंह। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीति में आने के बाद गुजरात मॉडल जिस तरह से लागू किया गया था, हम जैसे पत्रकारों पर जिस तरह से केस दर्ज कराए गए, इनकम टैक्स और ED को हम लोग के पीछे छोड़ दिया गया था, वो सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। हर कोई सांस नहीं ले पा रहा था, सफोकेशन हो रहा था। मैं तो पत्रकार हूं, मैं तो तब भी सवाल पूछ, जब अमित शाह और मोदी से नहीं डरे तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव क्या है? सवाल तो इनसे पूछा जाएगा जब सामाजिक हक की बात आएगी। बाबा साहब ने क्या कहा है, जब देश का हित और मेरा हित आएगा तो मैं देश का हित चुनूंगा, और जब समाज का हित और मेरा हित आएगा तो मैं समाज का हित चुनूंगा, जब देश का हित और शंभू का हित आएगा तो देश का हित चुनूंगा, और जब समाज का हित और शंभू का हित आएगा तो मैं समाज के लिए किसी भी नेता से सवाल पूछता रहूंगा। तो बीजेपी में आसान नहीं है नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बन जाना, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू जो है वो लोकसभा स्पीकर मांग रहे हैं, 5 बड़े मंत्रालय मांग रहे हैं। नीतीश कुमार जो है वो जल शक्ति मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय की मांग कर रहे हैं, ये नायडू मांग कर रहे हैं। नीतीश कुमार रक्षा मंत्रालय
और रेल मंत्रालय की मांग कर सोचिए किस तरह से रेल का बजट कटौती कर दिया गया था। सबसे ज्यादा पूर्वांचल के लोगों को दिक्कत होती है। तो नीतीश कुमार अपने फॉर्म में है। नीतीश कुमार ने तो यहां तक कहा था कि अगर हम संसद जाएंगे तो संसद में बदलाव भी करवाएंगे, इंडिया गठबंधन बनाने वाले हैं, और अयोध्या मंदिर ट्रस्ट में शामिल पुजारियों संतों को निष्कासित किया जाएगा और दोबारा ट्रस्ट में एससी एसटी ओबीसी वर्ग को संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी दी जाएगी। अयोध्या की हार ने बिल्कुल सब कुछ सिखा दिया है, तो आप डटे रहिए। सोचिए रवीश कुमार, अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा या पुनः प्रसून वाजपेयी दलित पिछड़े के हक की बात नहीं करेंगे, वो कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस करेंगे। एनडीए की बैठक में पीयूष गोयल भड़क गए हैं और चंद्रबाबू नायडू के 5 कैबिनेट बर्थ और स्पीकर पद मांगने पर, तो सोचिए पीयूष गोयल का क्या होगा, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। तो लगातार नरेंद्र मोदी के लिए इतना आसान नहीं होगा आप सत्ता में बने रहना, क्योंकि ये तय है कि लगातार जिस तरह से बीजेपी में खुद नरेंद्र मोदी का इतना विरोध है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, और जिस तरह से उन्होंने पिछले 10 साल में सरकार चलाई है वो उस वजह से उनके पार्टी के लोग भी नाराज है, खासकर शिवराज सिंह चौहान जैसे लोग, जिस तरह से उनको दरकिनार किया गया, वसुंधरा राजे जिस तरह से उनको दरकिनार किया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सोचिए एक चंदन शर्मा है भूमिहार समाज का, वो कह रहा है कि बिहार में सम्राट चौधरी को अध्यक्ष पद से हटाया जाए। चंदन शर्मा जी कहीं आप कांग्रेस के आप स्लीपर सेल तो नहीं बन गए? सम्राट चौधरी हटे और बीजेपी गई, लिख लीजिए आप। वो मंत्रालय जो सहयोगी दल मांग रहे हैं, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रेल मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, पार्टी के भीतर दो लोग तो प्रधानमंत्री पद के लिए लॉबिंग कर रहे हैं, एक तो ने तो टीवी पर चेहरा भी दिखाना शुरू कर दिया है। तो नरेंद्र मोदी के लिए सब कुछ इतना आसान नहीं है, ये सबसे बड़ी खबर है। और 27 मुस्लिम सांसद चुनाव जीत कर आए, ये अच्छी बात है, सबको संख्या के आधार पर रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखिए वायरल है, नीतीश जी ने कैसे पत्रकार को हड़काया। पत्रकार ने पूछा कि यही वो पत्रकार हैं जो कल तक उनको पलटू राम कहते थे, नीतीश जी ने तंज कहा कि प्रणाम, आपका धन्यवाद। तो बहुत तल्ख अंदाज में थे, ये सुनिए। चुनाव के नतीजों पर आपका नमन करना है, उपड़ा चलिए। बाद में जब जहाज उड़ गई उसके बाद नीतीश जी और तेजस्वी यादव दोनों एक साथ आए। हम लोग तो चाहते हैं सोशल जस्टिस की सरकार बने, बस शर्त इतनी है कि तेजस्वी यादव ने जो आज कहा है कि जाति जनगणना हो, 75% रिजर्वेशन हो और उसको 9वीं अनुसूची में डाला जाए। नरेंद्र मोदी जी आपको ये सब करना पड़ेगा। और सोचिए ये बात, ये सवाल रवीश कुमार इस पर बहस नहीं करें, सो नहीं करेंगे, जीत अंजुम अभिसार शर्मा नहीं करेंगे आपके संवैधानिक अधिकार पर। हम चाहते हैं कि चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने, अभिसार रवीश चाहेंगे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, दोनों में फर्क है। शिवराज सिंह चौहान विदिशा से 800,000 से ज्यादा मतों से जीते, हम चाहते हैं बीजेपी में वो प्रधानमंत्री बन जाए। विदिशा ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में 29 में 29 सीट दिला चुके हैं, या कारनामा दूसरी बार किया, पिछली बार 29 से 28 सीट दिलाई, मोदी ने इन्हें डिस्टर्ब किया, जीत के बाद मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, जगह जगह अपमानित किया गया, बावजूद इसके निष्ठा जी जान से ये बंदा भिरा रहा। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। सोचिए किस तरह से बीजेपी ने चंद्रबाबू नायडू को पहले निपटाया था, फिर जगनमोहन रेड्डी को निपटाया, और उसके बाद उन्होंने बीजू पटनायक को भी निपटा दिया है। तो मैं फिर कह रहा हूं, अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू नहीं संभले तो लोग लिख रहे हैं कि अमित शाह और मोदी की जोड़ी उनकी पार्टी तोड़ देगी। और ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर लोग पीके को ढूंढ रहे हैं, वो पीके कहां गया? तो तमाम टेलीविजन अखबारों की विश्वसनीयता खतरे में। और सोचिए आज टीवी पर नरेंद्र मोदी से ज्यादा तो शिवराज सिंह चौहान छाए हुए हैं, जिस चैनल पर देखो वही नजर आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ओबीसी हैं, मोदी से 8 साल युवा हैं, खांटी संघीय, मोदी सिर्फ 1.5 लाख से चुनाव जीते हैं, शिवराज सिंह चौहान 8.5 लाख वोटों से चुनाव जीते हैं। तो दिल्ली का मौसम बदल रहा है, लगभग तय है कि मोदी अमित शाह की जो बादशाहत थी वो खत्म होने जा रही है, और हम लोगों ने चाणक्य को चकनाचूर होते हुए 10 साल में ही देख लिया। खैर, बीजेपी अयोध्या के साथ ही अयोध्या मंडल की सभी 5 सीटें हार गई है। अयोध्या, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, ये 5 सीट अयोध्या, सोचिए ये हार बीजेपी की इसलिए हुई है कि जिस तरह से डॉक्टर रितु लक्ष्मण यादव की नौकरियां गई, रतन लाल को जेल में डाला गया, जिस तरह से नेशनल दस्तक को नोटिस दिया गया, और जिस तरह से हम लोग को इनकम टैक्स ईडी से परेशान किया गया, जिस तरह से दलित, पिछड़ों पर, आदिवासी, किसान और अल्पसंख्यकों पर लाठी चला के अब बच नहीं सकते हैं क्योंकि समाज जग चुका है, सोशल मीडिया है, लोग घर घर तक पहुंच चुके हैं।
और सोचिए मंथरा और कैकई के साथ साथ ये शख्स आचार आचार नाम है इसका, आचार प्रमोद जो प्रधानमंत्री जिसके मंदिर में गए थे, ये शख्स पूरे दलित समाज का अपमान कर रहा है और जाति सूचक शब्द लिख रहा है। जितेंद्र मीना ने ट्वीट किया है, धोबी ने पाप किया, इस जातिवादी व्यक्ति पर SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये प्रमोद आचार्य, इसका पूरा मुकम्मल इलाज होना चाहिए ऐसे लोगों का, किसी भी कीमत पर ऐसे कास्टिस्ट लोग नहीं चलने चाहिए। ये पहले राहुल गांधी का एडवाइजर था, राहुल गांधी तभी चुनाव जीते जब उनके एडवाइजर प्रोफेसर रतन लाल, अनिल जैन जैसे लोग बने हैं, सूरज मंडल जैसे लोग बने हैं। और रोड ट्रांसपोर्ट, रूरल डेवलपमेंट, जल शक्ति, हाउसिंग अर्बन, एजुकेशन, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, ये तमाम मंत्रालय चंद्रबाबू नायडू मांग रहे हैं। तो इस सरकार चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के इशारे पर चलेगी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह का दौर खत्म हो रहा है। और अब सोचिए 10 डिमांड, 10 मिनिस्ट्री मांग रहे हैं, 16 सांसद हैं चंद्रबाबू नायडू को 10 मिनिस्ट्री मांग रहे हैं, 3 मिनिस्ट्री JDU, 3 मंत्रालय और 2 MOS, 5 मंत्रालय मांग रहा है, TDP 10 और JDU 3 5, 10 5 15, शिंदे 1 2 3 मंत्रालय मांग रहे हैं, 15 3 18, LJP 2 चिराग पासवान, 18 2 20 और माझी जी 21 21 मंत्रालय तो अपने साथियों को देना पड़ेगा नरेंद्र मोदी और अमित शाह को। तो सोचिए वक्त कैसे बदलता है। और ये शानदार तस्वीर है, वर्षा गायकवाड़ हमारी टीचर हैं, सोचिए वर्षा गायकवाड़ हैं, बुद्धिस्ट हैं और कांग्रेस की मुंबई की अध्यक्ष हैं। एक समय जब एक सवर्ण कांग्रेस का अध्यक्ष था, वो जाके योगी जी से चुनाव लड़ा, वर्षा गायकवाड़ ने एक बार फिर से कांग्रेस को मजबूत किया है, मुंबई सेंट्रल में से वो जीत के आई है, संसद बन रही है, वर्षा जी को बधाई। और अगर नीतीश और नायडू गुजराती जोड़ी को समर्थन देते हैं तो JDU के 12 और TDP के 16 सांसदों को अमित शाह 3 महीने में BJP में शामिल करा लेंगे, ये बात नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी जानते हैं। इसलिए भरोसा खो चुके हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इसलिए कोई उन पर, उनके साथ उनके पार्टनर इस उम्मीद में नहीं रहते कि लोग पार्टी तोड़ देते हैं। और ये पत्रकार है हर्षवर्धन त्रिपाठी, सोचिए ऐसे तमाम पत्रकार की भाषा बदल रही है। हम लोग तब भी सत्ता से सवाल पूछेंगे जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, हम तब भी दलित पिछड़े किसान अल्पसंख्यकों की बात करते रहेंगे डंके की चोट पर, लेकिन इन TV वाले जातिवादी मनुवादी पत्रकारों की भाषा सुनिए। जैसी इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, ये लोग फिर वहां तलवा चाटना शुरू कर देंगे। अभी ये लोग खुल के नहीं बोल रहे, इनको लगता है कि कहीं नरेंद्र मोदी बन जाएंगे। तो सोचिए पत्रकार का मतलब होता है मुद्दों के साथ रहना, देश की जनता के साथ, डेमोक्रेसी के साथ, संविधान के साथ। और क्या ये इत्तफाक है, विडंबना है? सोचिए नवनीत राणा 19,731 वोट से हारी हैं, अजय टेनी 19,731 वोट, माधवी लता 19,731 वोट, कन्हैया कुमार 19,731 वोट। आप सोचिए क्या ये कोइंसिडेंट है कि सब लोग 19,731 वोट से चुनाव लड़े। बिलास खलात ने ये ट्वीट किया है कि किस तरह से EVM सेट किया गया था और इस बात में दम है, एक ही डिजिट से सब लोग चुनाव हार रहे हैं। ये तो होता है जब आप सेटिंग करते हैं। अयोध्या फैजाबाद सीट पर अवधेश प्रसाद को ये लोग गाली दे रहे। सोचिए एक दलित समाज का आदमी अयोध्या से चुनाव लड़ा है तो ये जातिवादी मनुवादी गुंडे उनको गाली दे रहे हैं, ये कब तक चलेगा? ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। और ये अनिल यादव है, पत्रकार है, मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश की राजनीति की समझ इनसे ज्यादा किसी पत्रकार को होगी। सोचिए रवीश कुमार, अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा और पुनः प्रसून वाजपेयी को सारे बहुजन नेता जाके इंटरव्यू देते हैं कूद कूद के। सबसे ज्यादा अनिल यादव ने मेहनत किया, अखिलेश जी ने एक मामूली सा इंटरव्यू दिया थोड़ा सा चलते चलते, और अजीत अंजुम के लिए पूरा सेटअप लगा दिया जाता है, एक भी सवर्ण पत्रकार दलित समाज के। और ये जिला करौली मुकबधिर आदिवासी बेटी के साथ गैंग दरिंदगी की हत्या का विरोध कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो एक भी सवर्ण समाज के पत्रकार, वो कांग्रेस के साथ हो सकते हैं, BJP के साथ हो सकते हैं, बहुजन के साथ नहीं है। तो राजनाथ सिंह का गुस्सा भी लगातार अब सामने आ गया है। और ये जो प्रमोद कृष्णन नाम का जो एक शख्स है वो सरेआम दलित समाज को मंथरा कैकई कह रहा है। वो लिखता है मंथरा और कैकई के साथ वो धोबी भी अयोध्या में ही रहता था जिसने सीता मैया को वन में भिजवाने का पाप किया था। ये शख्स, इस शख्स को जेल होना चाहिए और इसको मतलब क्या बताया जाए इसको। तो सोचिए किस तरह से पूरे रजक समाज का, पूरे दलित समाज का, पूरे बैकवर्ड समाज का, पूरे बहुजन समाज का ये शख्स अपमान कर रहा है।
और भारत आदिवासी पार्टी ने 9 महीने में 5 विधायक और 1 सांसद सीट जीत ली है। आदिवासी एकता की जीत है और राजकुमार राउत वही शख्स है जिनको लल्लन टॉप सौरव द्विवेदी का पत्रकार पूछ रहा था कि संसद गए क्या काम कर पाएंगे। और बीजेपी से न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी की जा सकती है, दोस्ती नहीं। नवीन पटनायक और जगनमोहन रेड्डी ये दोनों खूब मोदी से मिलते थे, अब दोनों का खेला खत्म हो गया। ये बात नायडू और नीतीश कुमार जी बेहतर समझते हैं। तो सोशल मीडिया पर ये तमाम खबरें वायरल, लेकिन मैं भरोसा दिला रहा हूँ सरकार किसी की भी बने, हम लोग दलित पिछड़े किसान अल्पसंख्यकों के हित में सवाल पूछते रहेंगे। ये है वो शख्स अभिनव पांडे जो पूछ रहे थे कि संसद देखी है, 2.5 लाख वोटों से जीतकर राजकुमार राव जो है वो संसद पहुंच रहे हैं। बाप भारतीय ट्राइबल पार्टी के युवा नेता हैं, 2 बार MLA रह चुके हैं, ये बड़ी खबर है। और शिवसेना शिंदे के कई सांसद जो हैं वो टच में हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे ने भी कमबैक की है, वापसी की है, तो अब तमाम लोग खुश हैं और सोशल मीडिया पर वायरल है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो दहशत था, जो डर था, और सवाल है कि उन टीवी अखबार का क्या किया जाए। मैं देखूं 31 साल का ये आदिवासी युवा नेता 2 टर्म MLA और अब 2 लाख वोट से सदन पहुंच गया, विधानसभा में सबसे बड़ा मार्जिन था। लेकिन दिल्ली के कुछ गोदी मीडिया, किसी भी सोचिए कन्हैया का इंटरव्यू हुआ, राजकुमार राउत का नहीं हुआ, किसी मुस्लिम नेता का इंटरव्यू नहीं हुआ। इस देश में तमाम सवर्ण पत्रकार किसका इंटरव्यू करते हैं, सोचिएगा जरूर। और जब तक हम लोग तो ये बात करते रहेंगे, 10 साल से ये बात करते आ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। जो लोग कल तक टीवी अखबार में बैठकर दलित पिछड़ों के खिलाफ थे, अब वो सोशल मीडिया पर खिलाफ है। तो इस देश के बहुजन समाज के दर्शकों को सोचना है कि एक OBC का चैनल बोलता है हिंदुस्तान बर्थ कर दिया गया, जिसे समर यादव चलाते हैं, नेशनल दस्तक को नोटिस दिया गया, नवीन कुमार को नोटिस दिया गया, लेकिन अजीत अंजुम अभिसार शर्मा को नोटिस नहीं जाता है। और जो राम का मंदिर बनाने के बाद ही यदि भाजपा को ऐसे दिन देखने पड़े तो बस यही कहूंगा कि यूपी के कुछ हिंदुओं तुम गुलामी के ही लायक हो। ये सुधांशु त्रिवेदी का बयान है, सोचिए ये पूरे हिंदू समाज दलित पिछड़ा आदिवासी किसान अल्पसंख्यकों को गाली दे रहा है। मतलब आप बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो आपको गाली सुनना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मैं फिर कहूंगा कि बीजेपी की अगर सपा के लिए सबसे शानदार काम किया है किसी ने तो वो लक्ष्मण यादव और राजकुमार भाटी जैसे लोग ने। अभय सिंह, गद्दार अभय सिंह के कारण बीजेपी अयोध्या हार गई, गद्दार मनोज पांडे के कारण बीजेपी रायबरेली हार गई, गद्दार राकेश सिंह के कारण बीजेपी अमेठी हार गई, गद्दार सपा विधायिका के कारण बीजेपी प्रयागराज और कौशाम्बी हार गई, गद्दार विनोद चतुर्वेदी के कारण बीजेपी जालौन हार गई, गद्दार राकेश पांडे के कारण बीजेपी अम्बेडकर नगर हार गई। तो ये भाषा है मनीष जगन की, जो नेता हैं। तो इस तरह से जितने सवर्णों ने बीजेपी का अखिलेश का साथ छोड़ा, अखिलेश यादव उतना चुनाव जीते, और चंद्रशेखर जी की सीट पर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री दोनों आए, अखिलेश 2 बार आए, 1 बार राहुल गांधी आए, आकाश आनंद आए, बहन जी आए, लेकिन चंद्रशेखर सब पर भारी पड़े और फाइनली 1.5 लाख वोटों से जीत गए हैं। ये बड़ी खबर है। तो चंद्रशेखर आजाद की इस वापसी ने सोचिए किस तरह से उनको स्टार्डम दिया है, और एक भी इंटरव्यू, और दलाल मीडिया की जुबान में इंडी की जगह इंडिया सुनने में अलग ही मजा आ रहा है। डर कायम रहे, दुआ कीजिए। तेजस्वी यादव ने आज जिस तरह से मांग की है कि रिजर्वेशन को 75% रिजर्वेशन हो, जाति जनगणना हो, और उसके बाद आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाला जाए, देखते हैं कि ये काम नरेंद्र मोदी को जो भी सरकार आएगी, आप दलित पिछड़ों को करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो समझ लीजिए कि आपको, आप भी सत्ता से बाहर होंगे, क्योंकि बहुजन समाज के लोग अब जागरूक हो गए हैं और धीरे धीरे वो एक दिन अपने हाथ में सत्ता भी लेंगे। और ये सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है, लेकिन सबसे ज्यादा लोग सिंपथाइज कर, सोचिए नरेंद्र मोदी के करीबी 2 नेता कहीं के नहीं रहे, नवीन पटनायक और उसके बाद दूसरे बड़े नेता थे जगन मोहन रेड्डी, जो पूरे राजनीतिक खेल से बाहर हैं। तो क्या लगता है आप लोग कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी PM बन जाएंगे, और इंडिया गठबंधन में कौन होगा प्रधानमंत्री अगर बनते हैं? तो मैं फिर कह रहा हूं, शंभू कुमार सिंह लगातार दलित पिछड़े किसान अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकार, आरक्षण, रिजर्वेशन, नौकरी, सेना के मुद्दों पर सरकार किसी की भी हो, हम लोग सवाल पूछते रहेंगे। जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।